status and role. The two concepts, status and role, are often seen as twin concepts. Status or role, दोनों को ही एक तरह से twin concepts के तौर पे देखा जाता है. A status is simply a position in society or in a group. Status का मतलब क्या हुआ कि समाज में या group में आपकी क्या position है. Every society and every group has many such positions and every individual occupies many such positions. हर समाज में, हर ग्रुप में बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं और हर इंडिविजुअल इसी तरह से कई सारी पोजीशंस को एक तरह से ऑक्यूपाई करता है. स्टेटस दस रिफर्स टू द सोशल पोजीशन विद डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज असाइन टू दिस पोजीशन. स्टेटस का मतलब क्या हुआ, सामाजिक तौर पे आपकी जगह जिसमें आपको पता है आपकी क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ड्यूटीज हैं जब आप इस पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं. टू इलस्ट्रेट, द मदर ऑक्यूपाइज अ स्टेटस which has many norms of conduct as well as certain responsibilities and prerogatives. अब अगर example के तौर पे mother को लिया जाए तो mother की एक position है जिसमें बहुत सारे उनके code of conduct हैं, rules हैं उनके उस behavior के लिए, साथ ही साथ उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, कई सारे prerogatives हैं. prerogatives का मतलब हुआ अधिकार हैं. A role is the dynamic or the behavioral aspect of a status. अब role क्या है, रोल जो है एक तरीके से जो हम जिस स्टेटस पे हैं उस पे हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर पहलू कैसा है. स्टेटस इज ऑक्यूपाइड बट रोल्स आर प्लेड. स्टेटस यानी पोजीशन जो है वो हम हासिल करते हैं पर रोल्स हम निभाते हैं. वी मे से दैट अ स्टेटस इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल. अब हम ये कह सकते हैं स्टेटस क्या है, एक हमारे को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल है, हम जिस पोजीशन में हैं उस पे हम कैसा रोल प्ले कर रहे हैं. It is a role that has become regularized, standardized, and formalized in the society at large or in any of the specific associations of society. तो ये जो role है ये एक तरह से regularize किया गया है, इसको एक standard दिया गया है, एक formation दिया हुआ है society के अंदर, जो हर जो associations होते हैं या जो specific associations होते हैं society के अंदर उसमें उसको निभाना पड़ता है. It must be apparent that each individual in a modern complex society such as ours occupies many different kinds of status during the course of his or her life. Har individual, ye jis tarike ka aaj ka hamara modern complex samaj hai, isme har ek jo hai apne pure jeevan mein alag alag tarike ke status ko jo hai wo nibhata hai ya uska status hota hai. You as a school student may be a student to your teacher, a customer to your grocer, a passenger to a bus driver, a brother or sister to your sibling, a patient to a doctor. अब जैसे आप एक school student हो सकते हो आप teacher के लिए, grocer के लिए आप customer हो, bus driver के लिए आप passenger हो, अपने भाई बहनों के लिए आप उनके भाई बहन भाई या बहन हो और doctor के लिए आप एक patient हो. Needless to say, we could keep adding to the list. This list बहुत लंबी है. The smaller and the simpler society, the fewer the kinds of status that an individual can have. अगर छोटा साधारण सी समाज होगा तो जो स्टेटस हैं वो भी बहुत ही कम तरीके के होंगे जो इंडिविजुअल खुद को हो सकते हैं या उसके पास हो सकते हैं. इन अ मॉडर्न सोसाइटी एन इंडिविजुअल एज वी सॉ ऑक्यूपाइज मल्टीपल स्टेटस विच इज सोशियोलॉजिकली टर्म्ड अ स्टेटस सेट. अब मॉडर्न सोसाइटी में हम जैसा देखते हैं कि इंडिविजुअल के पास बहुत सारे स्टेटस होते हैं, बहुत से उसको स्टेटस ऑक्यूपाई करता है जिसको सोशियोलॉजिकल टर्म में अगर देखा जाए तो स्टेटस सेट कहते हैं. इंडिविजुअल एक्वायर्स डिफरेंट स्टेटस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ. अब ये इंडिविजुअल जो है उस स्टेटस को जो है हासिल करता है अपनी जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस पर. अ सन बिकम्स अ फादर, फादर बिकम्स अ ग्रैंडफादर एंड देन ग्रेट ग्रैंडफादर एंड सो ऑन. अब एक लड़का है वो फादर बनता है, फादर जो है वो ग्रैंडफादर बन जाते हैं और उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसे चलती रहती है. दिस इज कॉल्ड स्टेटस सीक्वेंस फॉर इट रिफर्स टू द स्टेटस विच इज अटेन इन सक्सेशन और सीक्वेंस एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ. अब ये जो है स्टेटस सीक्वेंस कहलाती है क्योंकि यहाँ पर हम उस स्टेटस की बात कर रहे हैं जो हमें हासिल होता है एक तरह से उत्तराधिकारी के तौर पे या एक कंटिन्यूएशन में जो हम स्टेजेस अलग अलग लाइफ की जीते जाते हैं. An ascribed status is a social position which a person occupies because of birth or assumes involuntarily. Ascribed status क्या कहते हैं हम? वो social position है जो इंसान हासिल करता है अपने जन्म से. वो हासिल नहीं कर रहा है, उसे वो मिल रही है. The most common basis for ascribed status are age, caste, race and kinship. अब सबसे common आधार जो इस ascribed status के हैं वो age है, caste है, race है
और किनशिप है। सिंपल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मार्क्ड बाय स्क्राइब स्टेटस। अब जो साधारण और ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं, उनकी पहचान ही एस्क्राइब स्टेटस से होती है। An achieved status, on the other hand, refers to a social position that a person occupies voluntarily by personal ability, achievements, virtues and choices. वही achieved status का मतलब क्या हुआ? वो status जो हमने हासिल किया है, वो एक ऐसे social position को refer करता है, जिसमें जो इंसान है, वो अपने खुद के दम पे, चाहे उसकी खुद की ability हो, achievements हो, उसके जो qualities हो, या उसकी choices हैं, उसके basis पे हासिल करता है। The most common basis for achieved status are educational qualifications, income and professional expertise. जो सबसे common आधार माना जाता है achieved status का, वो है उसकी educational qualification, उसकी income या उसकी professional तौर पे कितनी ज़्यादा expertise है। Modern societies are characterized by achievements. अब जो modern societies हैं, उनकी पहचान ही उनके achievements की वजह से होती है। Its members are accorded prestige on the basis of their achievements. उनके जो मेंबर्स हैं, उनको जो है एक रिस्पेक्ट जो मिलती है, एक पोजीशन जो मिलती है, वो उनके अचीवमेंट्स के आधार पर ही मिलती है। हाउ ऑफन यू वुड हैव हियर द फ्रेज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। कई बार आपने इस कहावत को सुना होगा, तुम्हें अपने को साबित करना होगा। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज योर स्टेटस वॉज डिफाइंड एंड एस्क्राइब्ड बाय बर्थ। और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में है, उसमें तुम्हारा जो स्टेटस है वो पहले से ही निर्धारित है तुम्हारे जन्म से। However, as discussed above, even in the modern achievement-based societies, ascribed status matters. जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि modern achievement जो based societies होती हैं, उसमें भी ascribed status जो है, वो काफी matter करता है. Status and prestige are interconnected terms. अब status और prestige दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए terms हैं. Every status is accorded certain rights and values. हर status को जो है कुछ rights और values मिलते हैं. Values are attached to the social position rather than to the person who occupies it or to his or her performance or to his or her action. Value किससे जुड़ी होती है? Social जो position है उससे, बजाय person जो उसको हासिल करता है या उसकी performance या उसके action से। The kind of value attached to the status or to the office is called prestige. ये जो एक value है जो उस status या office से जुड़ी है, उसको prestige कहते हैं। People can rank status in terms of their high or low prestige. लोग जो है अपने status की ranking कर सकते हैं उनके high या low prestige के आधार पर। A prestige of a doctor may be high in comparison to a shopkeeper, even if the doctor may earn less. जो doctor की respect है, prestige है, इज्जत है, वो कहीं ज्यादा होगी एक दुकानदार के मुकाबले, भले ही doctor कम कमाता हो। It is important to keep in mind that ideas of what occupation is considered prestigious varied across societies and across periods. एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने वाली है, कि जो occupation जिसको कि हम prestigious मानते हैं, उसके संबंधित जो विचार हैं, वो काफी अलग अलग होते हैं समाज में या जो युग चले आ रहे हैं उनमें। People perform their roles according to social expectations. That is, रोल टेकिंग एंड रोल प्लेइंग। अब लोग जो अपने रोल्स को परफॉर्म करते हैं, वो एक उनकी जो सामाजिक उम्मीदें हैं उनके आधार पर, क्या वो रोल ले रहे हैं, कैसे उसको निभा रहे हैं। अ चाइल्ड लर्न्स हाउ टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद हाउ हर बिहेवियर विल बी सीन एंड जज्ड बाय अदर्स। एक बच्चा जो है वो बिहेवियर सीखता है कि किस तरीके से उसके बिहेवियर को देखा जाएगा या दूसरों द्वारा आंका जाएगा। रोल कॉन्फ्लिक्ट is the incompatibility among roles corresponding to one or more status. Role को लेकर जो मतभेद होते हैं, वो एक तरीके की असामंजस्यता मान सकते हैं roles के बीच में एक दूसरे के status के आधार पर। It occurs when contrary expectations arise from two or more roles. ये तब होता है जब विपरीत expectations जो हैं वो उठ जाती हैं दो या दो से ज़्यादा roles के बीच में। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। A common example is that of a middle class working woman who has to juggle her role as a mother and wife at home and that of a professional at work. अब एक middle class working lady जो है, उसको अपने रोल को निभाना है, juggling करनी है उसको, यानी दोनों रोल साथ में निभाने हैं, मदर और वाइफ का घर पे और प्रोफेशनल का काम पे। It is a commonplace assumption that men do not face role conflict. ये एक जैसे कहना चाहिए जनरल असम्पशन है कि जो मेन होते हैं उनको इस तरह से रोल कॉन्फ्लिक्ट निभाने में प्रॉब्लम नहीं आती है।
Sociology, being both an empirical and comparative discipline, suggests otherwise. Sociology जो है empirical भी है और comparative भी है, ये कुछ और ही बताती है. खासी matrilineal generates intense role conflict for men. अब जो खासी की matrilineal है, यानी जो खासी tribes है, वहाँ पे में जो female जो है, वो ज़्यादा oriented है, तो वहाँ पर role conflict men को होता है. They are torn between their responsibilities to their natal houses on the one hand and their to their wife and children on the other. वो जो है इंसान दो उसमें बट जाता है, एक तरफ उसको अपने घर की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है. दे फील डिप्राइव्ड ऑफ सफिशिएंट अथॉरिटी टू कमांड देयर चिल्ड्रंस लॉयल्टी एंड द लैक ऑफ फ्रीडम टू पास ऑन आफ्टर डेथ इवन देयर सेल्फ एक्वेंटेड प्रॉपर्टी टू देयर चिल्ड्रन. उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो वंचित हैं, उनको इतनी अथॉरिटी नहीं मिलती है कि वो अपने बच्चों की जो लॉयल्टी है उसको कमांड कर सकें, या उनको इतना आज़ादी नहीं हो सकती कि वो उसको पास ऑन कर सकें अपने डेथ के बाद, यहाँ तक कि जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों को पास ऑन कर सकें. द स्ट्रेन अफेक्ट्स खासी वुमेन इन अ वे मोर इंटेंसली. अब ये जो स्ट्रेन है ये खासी वुमेन को काफ़ी ज़्यादा असर करता है और ज़्यादा इंटेंस तरीके से. अ वुमेन कैन नेवर बी fully assured that her husband does not find his sister's house more congenial place than her own house. एक वुमेन जो है उसको कभी भी इस बात की तसल्ली नहीं होती है कि पूरी तरह से कि उसका हस्बैंड जो है वो उसके घर जो बहन का घर है उसको ज़्यादा अच्छा समझ रहा है बजाय अपने खुद के घर से. रोल स्टीरियोटाइपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ reinforcing सम स्पेसिफिक रोल फॉर सम स्पेसिफिक मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. अब रोल स्टीरियोटाइप क्या हुआ, एक ऐसी धारणा जो पहले से हमारे माइंड में बनी हुई होती है पर्टिकुलर चीज को लेकर. ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जो खास तरह के रोल को इन्फोर्स करता है कुछ मेंबर्स के लिए सोसाइटी के अंदर. फॉर एग्जांपल, मेन एंड वुमेन आर ऑफन सोशलाइज्ड इन स्टीरियोटाइप रोल्स एज ब्रेडविनर एंड होममेकर रिस्पेक्टिवली. जैसे मेन एंड वुमेन जो है इनका एक सोशल तौर पर रोल जो है वो स्टीरियोटाइप्ड है. मेन हमेशा कमाने वाला यानी घर के लिए कमा के लाएगा और वुमेन हमेशा घर संभालेगी. सोशल रोल्स एंड स्टेटस आर ऑफन रॉन्गली सीन एज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग. अब ये जो सोशल रोल्स हैं या स्टेटस हैं इनको हमेशा ऐसे देखा जाता है कि ये फिक्स्ड हैं, कभी बदलेंगे नहीं. इट इज फेल्ट इंडिविजुअल्स लर्न द एक्सपेक्टेशंस दैट सराउंड सोशल पोजीशंस इन देयर पर्टिकुलर कल्चर एंड परफॉर्म दीज रोल्स लार्जली एज दे हैव बीन डिफाइंड. ये माना जाता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं सीखते हैं इन उम्मीदों को जो सोशल पोजीशन से घिरे हुए हैं उनके अपने पर्टिकुलर कल्चर में, और उनको परफॉर्म करते हैं उन रोल्स को जैसा कि उनको डिफाइन किया गया है. थ्रू सोशलाइजेशन इंडिविजुअल्स इंटरनलाइज सोशल रोल्स एंड लर्न हाउ टू कैरी देम आउट. इसी सोशलाइजेशन की वजह से इंडिविजुअल्स जो हैं अपने सोशल रोल्स को सीखते हैं और उनको आगे बढ़ाना है, ये सब उनको आता है करना. दिस व्यू हाउएवर इज मिस्टेकन. पर ये जो चीज़ है ये गलत है. It suggests that individuals simply take on roles rather than creating or negotiating them. ये बताता है कि individuals जो हैं क्या करते हैं, सिर्फ उन roles को निभाने लग जाते हैं बजाय उनको खुद बनाने के या उसको उसके साथ negotiate करने के. In fact, socialization is a process in which humans can exercise agency. They are not simply passive subjects waiting to be instructed or programmed. अब socialization एक तरह से ऐसी प्रक्रिया है जिसमें humans जो हैं खुद कर सकते हैं. उनको ऐसा नहीं है कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको सिर्फ वेट कर रहे हैं कि वो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, उनको प्रोग्राम किया हुआ है तो उसी अकॉर्डिंग जो है अपने रोल को प्ले करेंगे. इंडिविजुअल्स कम टू अंडरस्टैंड एंड अज्यूम सोशल रोल्स थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन. इंडिविजुअल्स जो हैं आते हैं, समझते हैं और उन सोशल रोल्स को अज्यूम करते हैं जो एक सोशल इंटरेक्शन की प्रक्रिया से उनको मिलते हैं. This discussion perhaps will make you reflect upon the relationship between the individual and society, which we have studied in chapter 1. ये जो discussion है आपको काफी मदद देगा जिस तरह की relationship एक individual और society के बारे में हमने पढ़ी थी chapter 1 में. Roles and status are not given and fixed. Role हो चाहे status हो, ना तो ये दिए जाते हैं ना ये fixed हैं. People make efforts to fight against discrimination, roles and status. लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि जो भी भेदभाव है रोल्स और स्टेटस के खिलाफ उनके खिलाफ जो है वो एक तरह से लड़ाई लड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, दोस बेस्ड ऑन कास्ट और रेस और जेंडर, खासतौर से जो कास्ट रेस के जेंडर पर आधारित होते हैं. एट द सेम टाइम देर आर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु अपोज सच चेंजेस. वही कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं सोसाइटीज में जो इस चेंजेस का विरोध करते हैं. लाइकवाइज इंडिविजुअल वायोलेशन ऑफ रोल्स आर ऑफन पनिश्ड. अगर कोई इंडिविजुअल अपने उस रोल को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है. सोसाइटी दिस फंक्शन नॉट जस्ट विद रोल्स एंड स्टेटस बट आल्सो विद सोशल कंट्रोल.
सोसाइटी जो है वो जो कारण फंक्शन करती है वो खाली रोल्स और स्टेटस के साथ ही नहीं करती, बल्कि उसका एक तरह से सोशल कंट्रोल भी होता है।